खबर पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी की कार्रवाई। अब आईएएस नहीं रहेंगी पूजा खेडकर। बता दें कि खेडकर के सिविल सेवा परीक्षा की उम्मीदवारी उनकी रद्द कर दी गई है। यूपीएससी की परीक्षा देने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पूजा के खिलाफ यूपीएससी ने कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। तो अब आईएएस नहीं रहेंगी पूजा खेडकर। खेडकर की सिविल सेवा परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द की गई। यूपीएससी की परीक्षा देने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी की कार्रवाई। अब आईएएस नहीं रहेंगी पूजा खेडकर। खेडकर की सिविल सेवा परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द की गई। यूपीएससी की परीक्षा देने पर आजीवन प्रतिबंध। विलास अठावले इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विलास, काफी समय से ये मामला चर्चाओं में रहा है पूजा खेडकर को लेकर, और आखिरकार अब इस पर यूपीएससी ने कार्रवाई करते हुए पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है यूपीएससी की तरफ से पूजा खेडकर के खिलाफ? देखिए, दो चीजें सामने हैं। यूपीएससी ने खुद ने एक इंक्वायरी कमेटी रखी थी, और उस इंक्वायरी कमेटी के तहत जो भी जानकारी सामने आई है उससे पूजा खेडकर उसमें दोषी मान गए। एक फर्जी डॉक्यूमेंट जो है वो साबित करना, और उसके साथ जिस तरीके से अपने अफसरों के साथ दादागिरी कर एंटीटेबल या ऑफिस ले लेना, ये मामले जो है वो पूजा खेडकर के ऊपर आरोप के तहत थे। सबसे संगीन मामला जो था कि नॉन क्रिमिनल जो सर्टिफिकेट है वो पूजा खेडकर ने कैसे लाया, कि ताकि उसकी परिवार की संपत्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा थी, और ये सर्टिफिकेट को लेकर यूपीएससी ने सख्त कदम उठाते हुए पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द की है। इसके बाद पूजा खेडकर कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगी यूपीएससी की, और जो प्रोफेशनल पीरियड था वो भी खत्म कर दिया है। इसके साथ ही विलास, एक और मामला यहाँ पर था जिसको लेकर बात सामने आई थी कि जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, जातीय सर्टिफिकेट जो दिया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि वो भी फोर्स था, वो ठीक नहीं था। बिल्कुल, तीन चार चीजें अहम थी। एक तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, ये तीन संगीन मामले उनके ऊपर थे। और एक संगीन मामला के तहत उनकी जांच हुई है, जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो भी उन्होंने जाली बनाया था, फर्जी बनाया था। ये सारी बातें जो है यूपीएससी की समिति के सामने, यानी रिपोर्ट के सामने सामने आई, और उसके ऊपर मुहर लगा दिया यूपीएससी ने। चलिए ठीक है विलास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। संभल से खबर है बड़ी, जहां पर